अल्मोड़ा में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी है। मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के लिए जिला निर्वाचन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और इस बैठक में डीएम विनीत तोमर ने ड्राफ्ट रोल पब्लिश करते हुए मतदाता सूची में छूटे हुए वोटरों के नाम जुड़ाने और हटाने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की। इस दौरान डीएम विनीत तोमर ने बताया कि अल्मोड़ा जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 5,31,000 वोटर मतदाता सूची में शामिल हुए हैं, जिसकी अंतिम मतदाता सूची 5 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। आज 27 अक्टूबर के दिन जो हमारा ड्राफ्ट रोल है वो पब्लिश हो रहा है और जो हमारी स्पेशल समरी रिवीजन की एक्सरसाइज है वो स्टार्ट हो रही है। इसी में हमने आज सभी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ बुलाया है, उनको ड्राफ्ट रोल की कॉपी दी गई हैं। अभी जिसमें उनमें जहाँ भी उनको लगता है कि इसमें कोई एरर है, कोई एडिशंस डिलीशंस या मॉडिफिकेशंस होने हैं तो इसमें क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस फाइल करने के लिए हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और उसका पूरा कोऑपरेशन हमने सीख कर रहे हैं कि जो भी उनकी तरह सहयोग किया जा सकता है वो इस सहयोग करें, इससे कि हम अपना रोल प्योरीफाई कर पाएँ और इसका फाइनल पब्लिकेशन हमारा 5 जनवरी को होना है। इस एक्सरसाइज में जो हमारी एलिजिबिलिटी डेट है वो हमारी 1 जनवरी 2024 है। अभी हम देखते हैं तो हमारे जनपद में 920 पोलिंग स्टेशन्स हैं और 882 हमारी पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं। लगभग 5,31,000 हमारे वोटर्स हैं 6 विधानसभाओं में।